ओके, तो वी विल स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज. दैट इज इंटरेस्ट हमें किस पे मिलता है? हमें एक्स्ट्रा मिलता है. कोई भी अगर हम अपना मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो कुछ टाइम के बाद हमें उससे एक्स्ट्रा मनी मिलता है. दैट इज योर इंटरेस्ट. ओके, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आप मेनली कैलकुलेट कैसे करते हो? सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल एवरीबडी कीप क्वाइट. आपको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता लेट देम लिसन वंस. पी क्या होता है? प्रिंसिपल, दैट इज वो अमाउंट जो आप सबमिट करते हो, इन्वेस्ट करते हो कहीं पे. आर इज योर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट. एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, टी इज योर टाइम पीरियड, और आपको वो किस में लेना होता है टाइम पीरियड? इन ईयर्स लेना होता है. ओके, और एस आई इज योर सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, कई बार आपको बहुत से क्वेश्चंस में पूछेगा कि कितना इंटरेस्ट होगा, लेकिन कई बार बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि अगर आपने 1000 रुपीज सबमिट किया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर 2 ईयर्स, तो आपके वो कितने बन जाएंगे? 1000 का कितना अमाउंट बन जाएगा? तो आपका जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है बनाने का, वो होता है प्रिंसिपल प्लस उसमें आप इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट बन जाएगा वो. ओके, और दूसरा, यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो? अगर आपको दे दिया जाए कि 1000 रुपीज बिकम 1200 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, तो आप यहाँ से आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको कि कितना इंटरेस्ट हुआ. 200 रुपए इंटरेस्ट मिला हमें 1000 रुपए के ऊपर, तो यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे. ठीक है, एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है सब में, सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर. मैम कैन यू रिपीट? मैम आपका वॉइस नहीं क्लियर थी वाले मुझे. सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा. दैट इज अगर आपकी बात की जाती है कि 100 रुपीज से 150 बन गए हैं इन 5 ईयर्स. ओके, 5 साल में अगर 100 रुपए का 150 रुपए बन रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना है? 50 रुपीज इज द इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स. तो 1 ईयर का आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट विल बी 10 रुपीज हर साल इंटरेस्ट. यस मैम, 10 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं? 10 ईयर्स के लिए बढ़ेगा बच्चे. 1 साल के लिए 10 रुपए है, 10 ईयर्स का कितना हो जाएगा? 100 रुपए. तो 10 ईयर्स के बाद 100 के कितने बन जाएंगे? 200 बन जाएंगे. क्लियर? यस मैम. तो आप दैट इज पॉइंट हियर इज कि आप इयर्स को, इंटरेस्ट को ईयर से डिवाइड करके 1-2 जितने भी इयर्स का आपको निकालना है वो इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में होता है. क्लियर? नेक्स्ट थिंग आपको क्या याद रखनी है इसमें, रेट. अगर 1 साल के लिए 10% रेट है और हमें 2 ईयर्स का टाइम हम लेते हैं 2 ईयर्स, तो हम ये ले सकते हैं इसको कि 20% रेट है 1 ईयर के लिए. 1 एंड द सेम थिंग, क्योंकि रेट और टाइम तो हमारा मल्टीप्लाई होता है. यस. ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत से क्वेश्चंस में इजी कैलकुलेशन के लिए काम आएगा. मैम एक बार और बता दीजिए. देखिए, अगर आप 10% करके दो बार रेट, 2 साल में रेट दे रहे हैं, सपोज 100 रुपीज 1000 रुपीज है, ठीक है, आप उसका फर्स्ट ईयर पे भी आप इंटरेस्ट निकालते हो 10% से फॉर 1-2 ईयर्स के लिए. यही होता है हमारा फॉर्मूला P(R)(T/100. तो कितना हो जाएगा वो? 200 रुपीज इंटरेस्ट आ जाएगा.
लेकिन अगर आप निकालो रेट को टाइम से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 1000 रुपीज पे 20% से 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट लग रहा है, वो भी कितना है, 200 ही तो है। ओके तो आप यस मैम, दैट इज ईयर को 1 ईयर करके रेट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप रेट बढ़ा के ये कर सकते हो कि इतना परसेंट रेट 1 साल में लग रहा है टोटल। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस यस मैम। ओके नो मैम, मैम यस बच्चे व्हाट इज द मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। 1000 × 20 × 1, फिर वो हमें मल्टीप्लिकेशन करके 100 से डिवाइड करना है ना। यस बच्चे आप 0 से 0 या तो कैंसिल कर लीजिए या आप इसको कीजिए 20,000 डिवाइडेड बाय 100, तो तब भी आपका 200 आएगा। ओके यस मैम, अंडरस्टैंड। देखिए अब यही कॉन्सेप्ट्स को मैं क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। ओके एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक यस कंसेप्ट एक बार रिपीट कर दो। देखिए मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि 15% रेट आपका लग रहा है 3 इयर्स में, ठीक है, 15% पर एनम आपका रेट है और वो 3 साल के लिए लग रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि 45% रेट 1 ईयर में लग रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही लगता है। आप 15% फर्स्ट ईयर के लिए, 15% सेकेंड ईयर के लिए, 15% थर्ड ईयर के लिए, इसका मतलब यही है 15% फॉर फर्स्ट ईयर प्लस 15% फॉर सेकेंड ईयर प्लस 15% फॉर थर्ड ईयर, और 1 2 3 हमारे क्या है प्रिंसिपल जो है वो सेम है तीनों केसेस में। 1 1 ईयर का हमने निकाला तो अब इसको निकाल सकते हो 15% मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स प्रिंसिपल, तो ये 45% हो जाएगा प्रिंसिपल का डायरेक्टली 1 ईयर के मैम लिए। वो ऊपर वो 1000 × 20 × 1 के नीचे आपने 100 कैसे लिया है? बच्चे P इंटू R इंटू T बाय 100 होता है फॉर्मूला। ओके मैम। ओके देखिए अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ। देखिए अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें यही चीजें दी गई हैं सारी। एक चीज और आती है आपकी इसमें, देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, एनुअली सेमी एनुअली और हाफ ईयरली। और हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ठीक है। अगर आपका रेट लग रहा है सपोज 630%, ठीक है, अगर 30% रेट है 1 साल के लिए लग रहा है तो आप उसको 30% ही लेंगे, ठीक है। अगर सेमी एनुअली लग रहा है तो दैट मीन्स 30% कितने टाइम के लिए लग रहा है, हाफ ईयर के लिए लग रहा है, हाफ ईयर के लिए 30% रेट लग रहा है, तो वो रेट कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा फॉर 1 ईयर। तो क्या हुआ, अगर सेमी एनुअली होगा तो आपको 1 ईयर का लेने के लिए उसको हाफ करना पड़ेगा। अगर क्वार्टरली होगा, क्वार्टर कितना होता है, 1/4 होता है, तो 30% का आपको यस मैम, 1/4 करना पड़ेगा किसके लिए, 1 ईयर का। तो 1 ईयर का निकालने के लिए कितना हो जाएगा, ये 15/2, 7.5% हो जाएगा फॉर 1 ईयर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबको? यस मैम। अगेन बच्चे आप कैन यू इसको, एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट? आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर एनुअली रेट लग रहा है तो वही रेट लगेगा, हाफ ईयरली लग रहा है तो आप उसको जब टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो इनटू वन आप कर सकते हो, 30/2 × 1 इसको लिख सकते हो, तो वो क्या था, 15%। दैट मींस रेट क्या हो गया आपका, हाफ ईयरली में रेट बिकम्स हाफ हो गया रेट आपका, हाफ। और क्वार्टरली क्या होता है, 1/4 होता है, तो रेट भी क्या हो गया, 1/4 हो गया रेट। क्लियर? यस यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यस अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 इयर्स, 10 इयर्स एंड 12 इयर्स एट 10%, 12% एंड 15% इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या, 3 उसने अलग अलग अमाउंट तीनों स्कीम्स में इन्वेस्ट की है,
और आपको बताना क्या है, ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, तीनों में उसको सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो हम उसको मान लेते हैं कि P1, P2 एंड P3 उसने अमाउंट इन्वेस्ट की है, फर्स्ट स्कीम, सेकंड स्कीम एंड थर्ड स्कीम में। तो इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो हमें P1, P2, P3 का ही रेशियो निकालना। देखिए फर्स्ट उसने कितने 6 ईयर्स के लिए 10% पे किया, तो दैट मीन्स फर्स्ट स्कीम को कितने परसेंट के लिए किया उसने, फर्स्ट स्कीम को 10 × 6 60% के लिए, राइट। P2 में कितने टाइम के लिए उसने किया, कीप योरसेल्फ म्यूटेड एवरीबॉडी, 10 ईयर्स के लिए कितने परसेंट पे, 12% पे किया, 120% हो जाएगा। और थर्ड में 12 ईयर्स के लिए 15% पे किया, तो P3 क्या हो जाएगा, 180%। अब अगर आप इसको, ये तीनों इक्वल है, यही आपको दिया गया, इंटरेस्ट सर इक्वल, तीनों का अगर इंटरेस्ट इक्वल है तो आप इसको के मान के कुछ भी, तो P1, P2, P3 की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आप उन तीनों का रेशियो निकाल सकते हो। यस मैम। क्या आ जाएगा, के बाय 60, के बाय 120 एंड के बाय 180। के से के कैंसिल, 60 से 1, 2, 3, तो रेशियो क्या बन गई, 1:1/2:1/3। इसको आप कैसे कहते हो, एलसीएम लेते हो, 6:3:2, आपका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। हमने तीनों फॉर्मूला से P1, P2, P3 तीन अमाउंट इन्वेस्ट की थी, फॉर 6 ईयर्स एट 10%, 10 ईयर्स एट 12% एंड 12 ईयर्स एट 15%। तो हमने उन तीनों का क्या निकाले, इंटरेस्ट निकाले, बाय जो वाला जो 100 था वो मैंने कैंसिल आउट कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि वो तीनों में आना था और इक्वल जब भी होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और ये तीनों से हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, P × R × T/100, P × R × T/100, P × R × T/100, 100 से 100 कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल सारा। तो अब हमें क्या करना है, P1, P2, P3 का रेशियो निकालना था, तो हमने उसको इक्वल था तो हमने उसको के मान लो या 1 मान लो, कुछ भी अज्यूम आप कर सकते हो उसको। तो वहां से हमने P1, P2, P3 की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास ये रेशियो आ गया। इस रेशियो को हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, वो तो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर है। Is it clear question? Yes ma'am. Yes ma'am. Can you explain? मैंने लिखा है ना। क्या बच्चे? Ma'am please एक बार explain one more time. P × 60% वो समझ नहीं रहे। बच्चे 60% मत लिखिए, देखिए P1 × 10 ईयर्स के लिए, सॉरी 10% P × R × T 6 ईयर्स के लिए बाय 100, P2 × 12 ईयर्स के लिए, सॉरी 12% फॉर 10 ईयर्स बाय 100, और P3 × 15% फॉर 12 ईयर्स बाय 100। तो ये आ जाएगा P1 × 60 = P2 × 120 = P3 × 180। आ जाएगा यहाँ तक सबका? यस मैम। यस मैम आ जाएगा। उसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अब क्लियर है? यस मैम। 6000 बिकम 7200 इन 4 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 6000 का क्या बन रहा है, 7200 बन रहा है। ये क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया आपको। तो अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा, That is 1200 आपका इंटरेस्ट था फॉर 4 ईयर्स। चार साल में आपको दिया गया कि 6000 से 7200 बनता है, तो 1 ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना लगा, 300 रुपीज। 1 ईयर में आपको 300 इंटरेस्ट मिला होगा, तभी आपको 4 ईयर्स में 1200 मिला है। तो अगर 300 इंटरेस्ट मिला है 6000 रुपीज पे, एक साल में हमें रेट नहीं पता किस रेट पे मिला है, तो क्या आ जाएगा, 5% आ गया हमारा रेट। रेट 5% आ गया सबका? यस यस मैम। मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बच्चे 6000 प्रिंसिपल था, एक साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 300 मिल रहा है एट आर परसेंट रेट।
ठीक है, तो हम यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आर की वैल्यू आपकी 5% आ जाएगी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इफ रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अगर रेट 5% है तो 1.5 आर कितना होगा, 7.5% हो जाएगा रेट 1.5 टाइम्स। ओके, न्यू रेट क्या आ जाएगा आपका 7.5%। तो आपको पूछा गया कि सेम प्रिंसिपल 5 साल में कितना अमाउंट बन जाएगा, तो दैट मीन 6,000 फाइव इयर्स में एट 7.5% रेट कितना बन जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। 6.5 होना चाहिए मैम। 6.5 कैसे होगा बच्चे, अब 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। यस ओके मैम। मैम ये आपने 5 कैसे किया? कौन सा 5 बच्चे? मैम रेट इक्वल टू 5, 100 से 2 जीरोस कैंसिल, 65 जा 300, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5%। यस तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 2250, राइट? 2250 आपका ये क्या आया, इंटरेस्ट आया है अभी, लेकिन आपको बताना है कि वो 5 साल में कितना अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट क्या आ जाएगा आपका, 6000 प्लस 2250, 6000 प्लस 2250 कितना अमाउंट आ जाएगा, 8250 रुपीज। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ऑप्शन बी आंसर। यस मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।